की असत्य पर और अंधकार पर उजाले के विजय का प्रतीक विजय दशमी का पर्व शनिवार को खलारी कोयलांचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डकरा स्टेडियम में रावण दहन का मुख्य समारोह आयोजन किया गया। इसमें एरिया के जीएम सुजीत कुमार, पीओ अनिल सिंह, थाना प्रभारी विजय सिंह, इंदिरा देवी, अवधेश सिंह, गोपाल मिस्त्री, डीपी सिंह, सुनील सिंह, शत्रुंजय सिंह, धर्मेंद्र सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान 70 फीट रावण बना के पुतले को जीएम के द्वारा आग लगाकर रावण दहन का रस्म अदा की गई। इसके पूर्व स्टेडियम में गाजे बाजे के साथ जमकर आतिशबाजी किया गया। स्टेडियम में रावण वध देखने के लिए दोपहर से ही स्टेडियम में भीड़ लगनी शुरू हो गई। शाम होते ही रावण दहन देखने वालों से पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन सागर राम ने किया। सही रास्ता पर चलेगा तो आपका विजय होगा। मैं समस्त खिलाड़ी वासियों से आशा रखता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से सही से काम करिए और अपना ताकि आप खुश रहे, अपना परिवार खुश रहे, समस्त खिलाड़ी वासी खुश रहे, देश खुश रहे, हमारा राज्य खुश। कार्यक्रम पूर्व की बात यहाँ संपन्न हुआ। आज तो जो हम लोगों का अशुभ है जो रावण उसका विनाश कर हम काम करेंगे। दो शब्द रखे आज दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा समिति डकरा एरिया के द्वारा रावण दहन के कार्यक्रम रखा गया है। ये विजयादशमी जो है वो असत्य पर सत्य की जीत है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, इसके लिए दशहरा पूजा मनाया जाता है। ये त्यौहार 1990 से ही ठाकुर भोला सिंह के द्वारा ये इसका शुरुआत किया गया था। वो भोला बाबू एक बहुत ही समाज सेवी आदमी थे, वो भजन कीर्तन में हमेशा भक्ति में लगे रहते थे। उन्हीं का ही देन है आज उनके परिवार के लोग, उनके लड़के लोग, उनके समाज के लोग मिलजुल कर रावण दहन कर रहा है। मैं चाहूँगा कि रावण दहन का मतलब है कि रावण दहन, राम ने रावण को मारा लेकिन राम ने रावण को नहीं मारा, मारने को रावण को तो बाली भी थे, वो कांख में टांग लिया करते थे। ये संदेश जाता है कि रावणी प्रवृत्ति को, जो बुरा प्रवृत्ति है उसको छोड़ करके अच्छे प्रवृत्ति को जाना है, इसीलिए रावण दहन का कार्यक्रम मनाते हैं कि असत्य से सत्य की जीत हो। धन्यवाद।